Hello students and welcome back to step by step study. So today we are going to cover your question and answer part of your chapter 9, that is reproduction in animals. So this is the last part of this chapter, and with this we will complete our chapter, the reproduction in animals. From tomorrow I am going to start your new chapter, that is your chapter number 10. So let's get started. Question and answer itne important hai is chapter ke, why? बिकॉज इसमें से आपका वन वर्ड, आपका जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ उसमें से आपके एमसीक्यूज वगैरह हर पेपर में आपको मिलेंगे. प्लस अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही पढ़ जाएंगे तो भी मैंने पूरा जितना भी चैप्टर्स मैं आपको कराती हूँ उसके क्वेश्चन क्वेश्चन ही कर जाएंगे तो भी आपके लिए मोर देन एनफ है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल दैट रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो तरीके की रिप्रोडक्शन पढ़ी थी हमने, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सेक्सुअल में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड थे, मेल एंड फीमेल, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी रिक्वायर ओनली वन, राइट. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से एक आपको एग्जांपल देना है. तो यीस्ट जो है YEAST, इट रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ ह्यूमन मेल. ह्यूमन मेल की रिप्रोडक्टिव सेल को हम क्या बोलते हैं? सो इट इज नोन एज स्पर्म. अगर आपसे पूछा जाए कि फीमेल की क्या बोलते हैं तो फीमेल की हम ओवम या फिर वी कॉल इट एज एग. ऑलराइट, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इनसाइड द फीमेल बॉडी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन को? इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन एंड इट इज टेकिंग प्लेस इन साइड द फीमेल बॉडी. जब इन साइड द फीमेल बॉडी होती है तो किस तरीके की फर्टिलाइजेशन होती है? इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट. दो तरीके की हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, वन इज इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल. इंटरनल में जो फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी के अंदर होगी, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. सो जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, जब वो फ्यूज होगा टू फॉर्म अ जायगॉट, इट विल प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, नॉट इनसाइड. इन ह्यूमन मेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, स्पर्म्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन मेल में? सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस. व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज बटरफ्लाई? सो बटरफ्लाई इज ओविपेरस. वी हैव टू काइंड ऑफ एनिमल्स, कौन से? एक मैंने आपको बताया था विविपेरस एंड अदर वन वॉज ओविपेरस. सो विविपेरस में क्या था? द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चे पैदा करते हैं दैट आर नोन एज विविपेरस. एंड ओवी से मैंने आपको बताया था, यू हैव टू रिमेम्बर, अंडे या एग. द एनिमल्स दैट ले एग्स आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स. तो ये जो बटरफ्लाई है ये अंडे देती है, सो इट्स अ ओविपेरस एनिमल. टिक ऑड वन आउट, इसमें से आपको ऑड वन आउट टिक करना है. तो बताइए, अमीबा, फ्रॉग, हाइड्रा, यीस्ट. तो इसमें जो फ्रॉग है दैट इज ऑड वन आउट. व्हाई? बिकॉज बाकी जो ये अमीबा है, हाइड्रा है, यीस्ट है, दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड. कैट्स, डॉग्स, कैटल एंड फिश. सो द ऑड वन आउट इज फिश. व्हाई फिश? बाकी सारे विविपेरस है, मतलब ये यंग वंस को जन्म देते हैं, बट फिश जो है वो अंडे देती है, इट इज ओविपेरस. कॉकरोच, फ्रॉग, हाइड्रा एंड बर्ड्स. कॉकरोच, फ्रॉग, हाइड्रा और बर्ड. सो योर आंसर ऑड वन आउट इज हाइड्रा, बिकॉज अदर्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. ठीक है, जो कॉकरोच है, फ्रॉग है, बर्ड से ही अंडे देते हैं, बट हाइड्रा जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय बडिंग. पेनिस, स्पर्म्स, ओवरी एंड टेस्टिस. सो ओवरी जो है आपका, इट इज ऑड वन आउट. ये जो पेनिस है, स्पर्म है, टेस्टिस है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बट ओवरी इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मलेरियल पैरासाइट, यीस्ट और मल्टीपल फिशन. जो मलेरियल पैरासाइट है, यीस्ट और मल्टीपल फिशन है, सो ऑड वन आउट इज यीस्ट, बिकॉज जो बाकी है वो मल्टीपल फिशन से, जो मलेरियल पैरासाइट है इसमें भी मलेरियल मल्टीपल फिशन से जो है ये रिप्रोड्यूस करता है, बट इन केस ऑफ योर यीस्ट इट रिप्रोड्यूसेस बाय योर बडिंग. ठीक है, आगे चलते हैं. कुछ एमसीक्यूज हैं आपके, तो ये करते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन सा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है? फर्टिलाइजेशन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन या फिर
वेजिटिव प्रोपोगेशन। सो ये जो फर्टिलाइजेशन है आपका, इट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द मेल बॉडी या फिर आउटसाइड द मेल बॉडी। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड? इसमें से कहाँ पर, किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो जाके एम्बेडेड होता है? सो आपका जो ये यूटरस है, इट्स गेट एम्बेडेड इन यूटरस। मैच द फॉलोइंग। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगॉट, एक जाइगॉट में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? तो आपको याद रखना है, टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन योर जाइगॉट। देन वी हैव द प्रोसेस लीडिंग टू फ्यूजन ऑफ गैमीट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो फ्यूजन होता है, प्रोसेस जो आपका लीड करता है फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर फर्टिलाइजेशन। अब कुछ मैच द कॉलम है, उससे पहले मैं आपको दो चार क्वेश्चन और करा देती हूँ। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, जो हमने अभी करा था, तो उस मेथड को क्या बोलते हो? इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस कौन से होते हैं? वो होते हैं विविपेरस। व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ फीमेल एंड मेल टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल पार्टनर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड कौन सी फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की जब सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं फीटस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इंटू एडल्ट सिल्कवॉर्म एंड टेडपोल इंटू फ्रॉग, टेडपोल से फ्रॉग का बनना और आपके लार्वा से एडल्ट सिल्क वर्म का बनना, इस एकदम ड्रास्टिक चेंज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस ड्रास्टिक चेंज एज मेटामॉर्फोसिस। सो अ मैच द फॉलोइंग हम करते हैं। रिप्रोडक्शन को हम किससे मैच करेंगे? सो रिप्रोडक्शन विल बी मैच्ड विद सेक्सुअल, राइट? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन विल बी मैच्ड विद व्हाट? जाइगॉट। ओवरीज कहाँ, किस में होती हैं? फीमेल में। देन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ जाके स्टिक होता है? यूट्रस की वॉल पे। हाइड्रिया किस तरीके की एनिमल है? इट इज बाइसेक्सुअल एनिमल। ऑलराइट, विद दिस दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो टुमारो और टुडे योर न्यू वीडियो विल बी अपलोडेड ऑफ योर नेक्स्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज रीचिंग द एजेस ऑफ एडोलेसेंस, दैट इज चैप्टर नंबर 10, राइट? तो यहाँ पर आपको एक दो क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ। जो आपकी लिजर्ड है, ये किस तरीके से, किस तरीके की एनिमल है? इट इज ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब अंडे देती है। बाकी सारे जितने भी हैं, रिप्रोडक्शन इन मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट में किस तरीके की रिप्रोडक्शन होती है? मल्टीपल फिशन इन केस ऑफ योर मलेरियल पैरासाइट। जो आफ्टर एम्ब्रियो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन डैश fixes itself on the wall of what? Embryo जो है uterus की wall पे fix कर लेता है अपने आप को, right? अब यहाँ पर आपको बताना है frog, dog, cow और earthworm। ये मैं चार आपको option दे रही हूँ, उसमें से ये बताओ which of the following is hermaphrodite? Hermaphrodite कौन से होते हैं? Bisexual animal। तो इसमें से hermaphrodite कौन सा है? मतलब male और female reproductive part एक ही उसमें present होते हैं। So your earthworm is hermaphrodite। In a mosquito, eggs are hatched to produce। एक mosquito में आपके जब egg hatch हो जाते हैं तो क्या produce करता है? तो इसे लावा। Okay? So this is all for today. Take care of yourself. Keep studying hard. Stay home and stay safe. बहुत ज़्यादा जो है कोविड फैल रहा है, तो घर पे रहो, घर पे पढ़ो, and take care of yourself.